हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी जुड़ गए मेरे क्लास में। चलिए ठीक है, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊं, आपके लिए कोई क्लास लेकर आऊं, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सके। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में मेजरमेंट्स और यूनिट्स को डिस्कस किया था और मैं फिर आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में। तो मैंने फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में बोला था। क्या बोला था? कि फंडामेंटल यूनिट्स द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड फ्रॉम व्हिच अदर यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे लेंथ, मास, टाइम क्या है? सब एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये निर्भर नहीं है किसी क्वांटिटी पे, ठीक ना? ये दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं है। एंड फ्रॉम व्हिच अदर यूनिट्स कैन बी ड्राइव, और इन्हीं यूनिट्स में से दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को ड्राइव किया जाता है। ओके, आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। इसलिए लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। लेंथ, मास और टाइम के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? फंडामेंटल यूनिट्स द लेंथ, मास एंड टाइम व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड फ्रॉम व्हिच अदर फिजी एंड फ्रॉम व्हिच द यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। एंड नेक्स्ट वन इज ड्राइव यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर क्वांटिटीज द यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव विद द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, द यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, जैसे ये क्या है? लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों में से कोई भी लेंथ और मास और टाइम के तीनों में से कोई भी यूनिट्स को लेकर जब हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव करते हैं तो उस यूनिट को क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स। क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स। ओके, अब इससे आगे हम लोग चलते हैं कि इनके ड्राइव यूनिट्स के या तो फंडामेंटल यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, इनके गुण क्या हैं, ठीक ना? तो बच्चों, मैं क्या बोल रहा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, जैसे कोई भी यूनिट्स होते हैं तो उनके गुणधर्म क्या होते हैं, यूनिट हम लोग कैसे हम प्राप्त करते हैं या कैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लेते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या सीमा मतलब इसमें क्या लिमिटेशंस है, क्या इसके लिए सीमाएं हैं, क्या नियम निर्धारित है, कैसे हम लोग हम इसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को निर्धारित करते हैं। ओके, कैसे इसका यूनिट्स निर्धारित किया गया है, इसका मात्रक कैसे निर्धारित किया गया है, इसके गुणधर्म क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। ओके, तो फर्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट शुड बी वेल डिफाइंड। कोई भी यूनिट होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक ना? वो सभी के द्वारा समझा जाना चाहिए, एकदम वेल डिफाइंड, ये परिभाषित होना चाहिए अच्छी तरह से। ओके,
जैसे हम लोग कोई लेंथ का ही मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो वो स्केल बनाया गया है, जैसे अगर मान लीजिए ये मार्कर का अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये जो 10 सेंटीमीटर है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहीं भी अगर इसका मेजर किया जाएगा, इसको अगर मापा जाएगा तो इसको 10 सेंटीमीटर ही मापा जाएगा। ओके ठीक ना, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, सब जगह एक जैसा, मतलब सब जगह ये समझा जाएगा, ये वेल डिफाइंड है वो, ठीक ना। तो कोई भी यूनिट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सभी जगह समझ में आना चाहिए, इसका जो परिभाषा है वो सब जगह सही बैठना चाहिए, वेल डिफाइंड। इट शुड बी अ प्रॉपर साइज, कोई भी यूनिट लेंगे तो उसका जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद है इट शुड बी इम्पेरिसिबल, ठीक ना। उसके बाद है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम और अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर इटीसी। और कोई भी यूनिट होता है ये कभी भी टेम्परेचर प्रेशर आदि से ये परिवर्तित नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यूनिट कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम और अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर इटीसी। ओके, ये दबाव और तापमान के कारण बदलता नहीं है। ओके, ये जो रहता है वही रहता है चाहे कोई भी कंडीशंस हो। ओके, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ये जो यूनिट है मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लेते हैं उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, ठीक ना। तो जैसे हम लोग कोई भी क्वांटिटी का यूनिट्स लेते हैं तो उसके लिए क्या है, वो सभी जगह सर्वमान्य होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, ना कि हम कुछ भी ले ले। जैसे हम अभी बोले कि इस मार्कर का अगर लेंथ मेजर करना है तो इसको सेंटीमीटर मिलीलीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में ही मेजर करेंगे, और ये जो मेजर किया जाएगा ये क्या है, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर ये जो यूनिट लेंथ के लिए निर्धारित किया गया है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या है, मान्य है। ओके, उसी तरह से मान लीजिए और क्या, डिस्टेंस को भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए भी क्या है, इस लेंथ के इसके लिए भी यूनिट जो निर्धारित है उसको अगर बहुत छोटा डिस्टेंस है तो उसको बोले वही कि अगर ये छोटा ये मार्कर का अगर लेंथ मेजर करना है तो इसके लिए मिलीलीटर मिलीमीटर या तो सेंटीमीटर यूज करेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर 100 मीटर का अगर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना तो उसके लिए मीटर किलोमीटर यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये मीटर किलोमीटर क्या है, सब जगह सर्वमान्य है, इसके लिए एक निर्धारित होता है कि कहां तक 100 मीटर लेना है, कहां तक इसके लिए एक स्केल डेवलप किया गया है। ओके, अब जैसे ही मान लीजिए चावल राइस को ही हम लोग मेजर करना है, मान लीजिए एक बाल्टी में राइस भरा हुआ है उसको मेजर करना है कि वो कितना किलो होगा, ठीक ना, उसके लिए कितना, इसके लिए क्या हम लोग, उसके लिए भी एक निर्धारित किया गया है कि उसके लिए ग्राम ना, उसके लिए यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम। अगर बहुत छोटा है तो उसको ग्राम में लेंगे, उससे भी वो छोटा है तो मिलीग्राम लेंगे, अगर उससे भी ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, ठीक ना। अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसके लिए किलोग्राम लेंगे, उससे तो उसी किलोग्राम किलोग्राम को आगे बढ़ाते बढ़ाते इसी तरह से क्या होता है, क्विंटल होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, इस तरह से यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, उसी तरह से मान लीजिए कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसके कैपेसिटी को मेजर करना है, उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी क्या है, उसके लिए स्केल डेवलप किया गया है, और जो स्केल है ये भी सब जगह मान्य है। उसी तरह से मान लीजिए पुराने जमाने में जैसे हम लोग रुपये को लेते थे तो उसको कैसे हम लोग जानते थे, जैसे कि पुराने लोग क्या बोलते थे, अगर 20 रुपीज को जैसे कि एक कोरी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 20 रुपीज, लेकिन वो लोग 20 रुपीज के जगह क्या बोलते थे, 1 कोरी। उसी तरह से अगर चावल को मेजर करने के लिए उन लोग का क्या होता था, कुछ इस तरह का उन लोग का कंटेनर
या तो उस तरह से बर्तन होता था जिससे हम लोग क्या करते थे, चावल को मेजर करते थे, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में उसको क्या बोलते थे, पायला, ठीक ना। तो वहां उस समय क्या था, बहुतों के पास वो क्या बोलते हैं तुल्ला, वो बैलेंस नहीं होता था, तो वो लोग उसी से मेजर करते थे, उसी से अपना हिसाब रखते थे। ओके, अब क्या बोले, अब नेक्स्ट उसी तरह से मान लीजिए लिक्विड को मेजर करना है तो इसके लिए क्या है, उसके लिए भी स्केल बना हुआ है, मिलीलीटर, लीटर, है ना। और वो क्या है, स्टैंडर्ड होता है, वो सभी जगह एक जैसा ही होगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इंडिया में 500, मान लीजिए 500 मिलीलीटर में कुछ उसके लिए होता है निर्धारित, तो वो भी क्या होगा, दूसरे देश में भी 500 मिलीलीटर में उतना ही होना चाहिए, या 1 लीटर में जितना यहाँ पे क्वांटिटी होता है उतना ही क्वांटिटी दूसरे जगह में भी होना चाहिए। तो इस तरह से यूनिट्स क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर साइज में होना चाहिए, इम्प्रेसेबल होना चाहिए, और शुड नॉट चेंज विथ टाइम और अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। ये सारे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या बोले थे कि मैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक ना, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इससे आगे फिर बढ़ते हैं।